दलों ने तेज कर दी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी मैनपुरी से हमारे साथ हैं, सांसद संदीप पांडे आगरा से, देवेंद्र चौहान फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे कि इस वक्त की क्या स्थिति है। सबसे पहले ऋषभ का रुख कर लेते हैं। ऋषभ, मैनपुरी में इस वक्त की क्या स्थिति है? शाम के 6 बज गए हैं, इस वक्त क्या लोगों की कतार देखने को मिल रही है? क्योंकि अब तो जितने लोग कतार में है, लाइन में है, बस वही वोट डाल पाएंगे। नहीं देखिए, 6 बज चुका है, 6:09 हो रहा है, वोटिंग का समय खत्म हो चुका है। और ये जो सबसे हाई प्रोफाइल बूथ था पूरी मैनपुरी लोकसभा का, जहां पर पूरे यादव कुनबे का वोट था, वहां पर अब ताला लग चुका है। आप देख सकते हैं गेट बंद कर दिया गया, वोटिंग का समय यहां पर पूरा हो चुका है। लेकिन एक बात सैफे में देखने को जरूर मिली, वोटिंग के प्रति लोग जागरूक हैं। सुबह 7 बजे से ही बुजुर्ग लोग आने शुरू हो गए थे और शाम को 6 बजे जब वोटिंग खत्म हो रही है तब भी एक नौजवान है जो दौड़ते भागते हुए आए हैं। पहला वोट जिसने डाला हमने उनको भी दिखाया, अभयराम यादव जो मुलायम सिंह के छोटे भाई हैं, ये युवक हैं, देखिए ये भी इन्होंने आखिरी वोट डाला। आप इतनी देर क्यों गए, कहां से इतना समय लगा? एक्चुअली मेरे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। मैं एक अपनी फ्रेंड की वाइफ को लेके कानपुर गया था एक एक्सीडेंट में, जस्टली 3:40 पे मैं वहां से कानपुर सदर से निकला हुआ हूँ और 2 घंटे के अंदर मैंने पूरा रास्ता तय किया। मैंने 6 बजे हमारी लास्ट वोटिंग होती है, उस हिसाब से मैंने अपनी बाइक को रनिंग किया हुआ है। आप मेरी हालात देख सकते हैं, जिस हिसाब से मैंने बाइक को चलाया हुआ है, मैं लास्ट वोट, मेरा आखिरी वोट यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप इस चीज को देख सकते हैं। ये मेरा तो ये आप देख सकते हैं, ये सैफई का जज्बा है, बड़ी बात है ये। चाहे पहला वोट हो चाहे आखिरी वोट हो, हर वोट मायने रखता है इस चुनाव में। आपके पास लौटेंगे, आप सभी के पास। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, पहले वो अपने दर्शकों को बता दें कि यूपी में अखिलेश राहुल की संयुक्त रैली 10 मई को कन्नौज में जनसभा होगी। 10 मई को दोपहर 1 बजे कन्नौज में रैली होगी, कानपुर में भी जनसभा करेंगे दोनों। कानपुर में दोपहर 3 बजे संयुक्त रैली होनी है। तो बड़ी खबर है, यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी संयुक्त रूप से रैली करने वाले हैं, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 10 मई को दोनों एक साथ नजर आएंगे, एक मंच पर नजर आएंगे। राहुल की संयुक्त रैली, अखिलेश और राहुल एक साथ 10 मई को पहले कन्नौज में होंगे, 1 बजे कन्नौज में रैली करेंगे, फिर कानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, दोपहर 3 बजे कानपुर में संयुक्त रैली और जनसभा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से आ गई है, देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या कमाल इन चुनावों में कर पाते हैं। लेकिन इन सब के बीच आज अखिलेश यादव की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उन्होंने उनकी तरफ से बड़े आरोप लगाए गए थे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि धूप में भारतीय जनता पार्टी चुनाव करवा रही है, बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई थी। लेकिन इन सबके बीच तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप पांडे आगरा से जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। संदीप, वहां की कैसी स्थिति है? 6 बज गए, मतदान का वक्त समाप्त हो गया है, तस्वीरें जरा वहां से दिखाएं। ये आगरा का मतदान केंद्र है जहां से एक भी मतदाता इस समय बूथ पर मौजूद नहीं है, बल्कि जो स्टाफ है वो अंतिम प्रक्रिया पूरी कर रहा है। अभी मशीन को सील किया जाएगा, इसके बाद यहां से सुरक्षित मशीनें ईवीएम जहां पे स्ट्रांग रूम है वहां भेजा जाएगा। अगर बात करें आगरा में मतदान की, तो 5 बजे तक 51% मतदान हो चुका था। वहीं देखना ये होगा कि 2019 का रिकॉर्ड इस बार मतदाता तोड़ पाते हैं कि नहीं, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में यहां 59% से ज्यादा मतदान हुआ था। ऐसे में देखना होगा इस तपिश भरी गर्मी में यहाँ के मतदाता फर्स्ट क्लास आते हैं या नहीं। लेकिन दिन भर मतदाताओं में उत्साह दिखा, लोकतंत्र को लेकर महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ पे मतदान केंद्रों पे दिखे। और 6 बजे यहाँ पे मतदान केंद्र का गेट बंद कर दिया गया, जो लोग अंदर थे उनको मतदान कराया गया और बाहर भेज दिया गया। अब यहाँ पे एक भी मतदाता यहाँ पे नहीं रह गया है, मतदाता यहाँ नहीं है। अमूमन देखने को मिलता है जब मतदान का वक्त निकल जाता है तब भी कतार में कई लोग खड़े होते हैं, कई मतदाता खड़े होते हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि शाम 6 बजे तक वोटिंग है। उस वक्त तक जितने लोग लाइन में लग जाते हैं वो आगे भी मतदान कर रहे होते हैं, लेकिन इन जगहों पर तो मतदाता है ही नहीं, वोट कास्ट करके जा चुके, जबकि अभी 6:10 का वक्त लगभग हुआ है। देवेंद्र चौहान फिरोजाबाद से हमारे साथ मौजूद है। देवेंद्र, फिरोजाबाद की स्थिति क्या है? क्या वहां पर भी सारा मतदान खत्म हो चुका है, संपन्न हो चुका है, या कुछ लोग अब भी दिख रहे हैं कतार में? बिल्कुल, 6 बजे का जैसे ही समय हुआ था, 6:05 पे यहाँ अंतिम जो है लाइन जो है समाप्त हुई थी और लोग निकले थे, और उसके बाद में जहाँ खड़े हम इस समय देखिए कर्मचारी जो लगे थे पोलिंग बूथ में
वो निकल रहे हैं, अंदर से पुलिसकर्मी निकल रहे हैं, और उसके अलावा जो पैकिंग का काम है वो पैकिंग का काम चल रहा है। इस समय हम चूंकि सुकाबाद में खड़े हैं, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे जो बनाया गया है जहाँ पर ये मशीनें जमा होंगी वहाँ के लिए ये तैयारी हो रही है। और अगर पूरे जिले की बात की जाए तो लगभग यहाँ पर जो आंकड़ा किया जा रहा है लगभग 60% से ऊपर का मतदान 6 बजे का होगा। हालांकि अभी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं है, सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। चूंकि अगर 5 बजे की बात की जाए तो 56% मतदान हुआ था। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम जानेंगे कि किस तरीके से क्या लोगों को क्या क्या सोच के इस बार मतदान हुआ है। देश आगे बढ़ेगा, उन्नति के पथ पर जाएगा, यही सोच करके हम लोगों ने वोट किया है। बिल्कुल बिल्कुल, देश आगे बढ़ेगा। क्या लगता है कि इस बार जो 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 वोट ऑफ परसेंटेज है वो बढ़ रही है, चूंकि टेम्परेचर था तो क्या मानेंगे? गर्मी को देखते हुए भी लोगों ने पूरे उत्साह के साथ मतदान किया है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए कार्य लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि गर्मी बढ़ती गई लेकिन लोगों का जोश ठंडा नहीं हुआ। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप सभी ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। लेकिन तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान कई रंग यहां पर देखने को मिले हैं। कड़ी धूप में वोटर वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्र आए।